आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 9 अप्रैल के 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है और जी ऑफ एक्स इक्वल टू अपने के पास इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, ए इक्वल टू अपने के पास दे रखा है एफ ऑफ जी ऑफ 10 के बराबर और बी इक्वल टू दे रखा है अपने के पास जी ऑफ एफ ऑफ 3 के बराबर। ई एंड वन डिनोट द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द, अच्छा ये वन नहीं है बल्कि अपने के पास एल से रिप्रेजेंट कीजिए, ये एल है। ठीक है, डिनोट द इसेंट्रिसिटी एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। ठीक है, ये अपने के पास इलिप्स ये दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर अपॉन बी के बराबर। ठीक है, तो 8e² प्लस टाइम्स वन, वन की जगह अपने के पास इसको क्या कीजिए, करेक्शन कर लीजिए, एल लिख लीजिए एल स्क्वायर के बराबर। ये अपने के पास एल है, इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने के पास क्या निकालना है, तो एफ ऑफ एक्स अपने किसके बराबर दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स 9 के बराबर, हाँ ना। और जी ऑफ एक्स अपने किसके बराबर दे रखा है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू देख रखा है अपने के पास एक्स अपॉन में एक्स माइनस 9 के बराबर, हाँ ना। हमें चाहिए क्या, ए अपने किस क्या दे रखा है, तो एफ ऑफ जी ऑफ 2 के 10 के बराबर दे रखा है, एफ ऑफ जी ऑफ 10 के बराबर। बताइए यहाँ से अपने जी ऑफ 10 किस बराबर हो जाएंगे, यहाँ से हम जी ऑफ 10 निकाल लेते हैं। बताइए जी ऑफ 10 अपने किस बराबर जाएंगे, जी ऑफ 10 जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो 10 - 1 यानी 10 के बराबर। ठीक है, तो यह किस बराबर है, एफ ऑफ 10 जी ऑफ 10 अपने किस 10 के बराबर ही है, तो यहाँ से अपने किस एफ ऑफ 10, बताइए एफ ऑफ 10 अपने किस 109 के बराबर हो जाएंगे, हाँ ना। यानी ए इक्वल टू किस बराबर जाएंगे 109 के बराबर, किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब 109 के बराबर ये हो गया, यहाँ से अपने कैसे बताइए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास बी निकालिए, बी अपने कैसे किस बराबर आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया जी ऑफ एफ ऑफ 3 के बराबर, जी ऑफ एफ ऑफ 3 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने कैसे बताइए, यही तो अपने कैसे क्या है, बी है, ये अपने कैसे किस बराबर है, बी के बराबर है। इसको अपने कैसे थोड़े से अच्छे से लिख देते हैं, ये अपने कैसे क्या है, बी है, हाँ या ना। तो बी इक्वल टू अपने कैसे इसके बराबर, यानी अपने कैसे जी ऑफ 3 बताइए, तो जी ऑफ 3 जैसे अपने कैसे डालेंगे तो ये आ गया 9 9 18, जी ऑफ 18 के बराबर हो जाएंगे, हाँ है ना। एफ ऑफ 3 बताइए, एफ ऑफ 3 किस बराबर आ जाएंगे, तो आ गया 3 3 9 और 9 9 18 के बराबर, एफ ऑफ 18 बताइए, 18 जैसे अपने यहाँ से सॉल्व कीजिए तो किस तरह आ जाएंगे, 18 और अपॉन में अपने 18 - 9 के बराबर, ये ना कैंसिल आउट होकर के 2 आ जाएगा। यहाँ से अपने एफ ऑफ 18 जी ऑफ 18 किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से अपने 2 के बराबर। आप निकालने मत बैठ जाइएगा, तो बी इक्वल टू अपने इसके बराबर हो गया और ए इक्वल टू ये आ गया। हमारे पास फंक्शन का काम खत्म, हमारे पास एक्स स्क्वायर और अपॉन में ए के बराबर इलिप्स है, तो ए की जगह अपने कैसे क्या कीजिए, ये चिपका दीजिए, कौन सा, तो यहाँ से अपने के पास 2 चिपका दीजिए। ठीक है, और प्लस टाइम सी किस आ जाएंगे, तो वाई स्क्वायर और अपॉन में बी, बी की जगह, अच्छा ए की जगह ये है, ए की जगह 109 है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ए की जगह क्या 109 के बराबर और बी की जगह अपने के पास 2 है, इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इलिप्स आ गया। इस इलिप्स का अपने के पास क्या कीजिए, इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए इसको अपने पहले स्टैंडर्ड इलिप्स में कन्वर्ट कीजिए, एक्स स्क्वायर अपॉन में 109 और इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम सिक्स आ जाएंगे वाई स्क्वायर और अपॉन में √2 और इन पूरे का अपने के पास होल स्क्वायर, इक्वल टू आ गया अपने के पास 1 के बराबर। हमारे पास इसेंट्रिसिटी किस बराबर होता है, तो यहाँ से ई स्क्वायर किस बराबर आ जाएंगे, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 - b² और अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर। यहाँ से बी स्क्वायर किस बराबर 2 के बराबर, ए स्क्वायर इसके बराबर है, यहाँ से ई स्क्वायर किस बराबर आ जाएंगे, तो 1 - b² आ गया अपने के पास 2 के बराबर और ई स्क्वायर अपने के पास 109 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट का, तो ये आ गया 109 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ई स्क्वायर आ जाएंगे अपने पास 107 और होल अपॉन में अपने पास 2 के बराबर, यानी ई स्क्वायर अपने पास इसके बराबर हो गया। जब ई स्क्वायर अपने के पास अभी क्या हो गया 107 और होल अपॉन में अपने पास 109 के बराबर होगा ना, होल अपॉन में 109 के बराबर। अब अपने के पास क्या है, लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला मैं मान के चलता हूँ कि आपको आता होगा, एल अपने के पास किस बराबर होता है, एल इक्वल टू होता है अपने के पास 2 और बी स्क्वायर और होल अपॉन में अपने पास ए के बराबर होता है, 2b² अपॉन ए के बराबर, बी स्क्वायर की जगह 2 है तो 2 × 2 और ए अपने के बराबर है तो √109 के बराबर है, हाँ है ना। हमारे पास क्वेश्चन में एल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, एल स्क्वायर अपने के बराबर जाएंगे तो यहाँ से आ गया अपने के पास 2 × 2 = 4, 4 = 16 और होल अपने आ गया किस बराबर 109 के बराबर, ये आ गया अपने के पास एल स्क्वायर के बराबर। फुल एंड फाइनल आंसर बताइए, तो यहाँ से अपने के पास फुल एंड फाइनल आंसर एफ एन एफ अपने के बराबर है तो 8e² और प्लस टाइम्स एल स्क्वायर के बराबर, यहाँ से अपने के पास 8 और मल्टीप्लाई है e² मतलब 107 और होल अपने 109 के बराबर और यहाँ से आ गया प्लस टाइम्स एल स्क्वायर, एल स्क्वायर अपने 16 अपने 109 के बराबर, हाँ है ना। यहाँ से अपने के पास क्या करती है, 16 हम कॉमन ले लेते हैं, 16 नहीं यहाँ से 8 ही कॉमन आएगा, जैसे 8 अपॉन में 109 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास बचेगा क्या, तो यहाँ से आ गया अपने पास 107 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये किस तरह हो जाएंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया भाई, यहाँ से आ गया अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, 8 के बराबर है, 8 अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे इनके करेक्ट आंसर। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 9 अप्रैल 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। आप इसमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स निकालने में बैठ जाइएगा, डायरेक्ट अपने के पास वैल्यू निकालिए, खुश रहिए, जब अपने पास वैल्यू दे रखा है तो वैल्यू डायरेक्ट निकालिए,
एकदम इजी से बन जाएगा। अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकालेगा मोए मोए हो जाएगा, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेगा और, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।